नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि वीडियो प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। यहाँ विशुद्ध कॉम्पिटिटिव महत्व की घटनाओं पर केंद्रित नए नए वीडियो आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इनमें कोई कमी महसूस करते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अभिव्यक्त करें। करेंट अफेयर्स की मासिक प्रस्तुति PDF प्रारूप में हमारी वेबसाइट edristi.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस अंक में ई दृष्टि की विशेषज्ञ टीम इस सप्ताह की घटनाओं पर केंद्रित वीडियो प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। प्रश्न: हाल ही में किसके द्वारा एक नए कार्यक्रम सॉल्व फॉर इंडिया पहल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी भारत नेट, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम, उत्तर बी गूगल। संबंधित तथ्य: 28 अप्रैल 2017 को गूगल ने एक नए कार्यक्रम सॉल्व फॉर इंडिया पहल की घोषणा की। इसका उद्देश्य पूरे देश में Tier 2 शहरों में नव उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित करना और सक्रिय करना तथा उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान मुख्यतः पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, इंदौर, नागपुर, नासिक, मदुरई, कानपुर और चेन्नई जैसे Tier 2 शहरों में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम से देश के उद्यमियों और नव उद्यम को समर्थन प्राप्त होगा। इस पहल के तहत उद्यमियों को अब गूगल के इंजीनियरों से सीधे सीखने का अवसर मिलेगा। कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा और स्वच्छता तथा अन्य विषय इस पहल में शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अवतरण मार्ग के तहत 6 महीने तक परामर्श प्रदान किया जाएगा और एप्स निर्माण, मानकीकरण, व्यापारिक रणनीति के विकास में सहायता की जाएगी, जिसके तहत गूगल $50,000 का इक्विटी मुक्त निवेश भी नव उद्यम में करेगा। इसके अलावा कंपनी मापनीय समाधान के लिए क्लाउड क्रेडिट के रूप में भी $20,000 से अधिक प्रदान करेगी। प्रश्न: 13वें अंतर्राष्ट्रीय परमाकल्चर कंजर्वेंस 2017 का आयोजन किस स्थल पर किया जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पुणे, उत्तर हैदराबाद। संबंधित तथ्य: 27 नवंबर 2017 सेकेंड 2 दिसंबर 2017 तक 13वें अंतर्राष्ट्रीय परमाकल्चर कंजर्वेंस 2017 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। इसका आयोजन हैदराबाद स्थित पर्यावरण और विकास NGO अरुणा कृषि विकल्प, अंतर्राष्ट्रीय परमाकल्चर काउंसिल और फ्रेंड्स ऑफ IPC संयुक्त रूप से करेंगे। इस कंजर्वेंस का मुख्य विषय स्वस्थ समाज की ओर है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय किसानों को प्रेरित करना और उनके वर्तमान परिमार्गों के सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया जा सकता है को सीखने का अवसर प्रदान करना है। प्रश्न: भारतीय नौसेना 9-25 मई 2017 के मध्य होने वाले 29वें समन्वित निगरानी कोरपेट द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास में भाग ले रही है। यह अभ्यास किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका, उत्तर सी इंडोनेशिया। संबंधित तथ्य: भारतीय नौसेना 9-25 मई 2017 के मध्य होने वाले 29वें समन्वित निगरानी द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास में भाग ले रही है। यह अभ्यास इंडोनेशिया की नौसेना के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। दोनों देशों की नौसेनाएं रणनीतिक साझेदारी की व्यापक परिधि के अंतर्गत वर्ष 2002 सेकेंडरी वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा रेखा पर समन्वित निगरानी को कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक, नौपरिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित बनाए रखना है। 29वें समन्वित निगरानी द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का उद्घाटन 9-12 मई 2017 तक पोर्ट ब्लेयर भारत में होगा, जबकि इसका समापन समारोह 22-25 मई 2017 तक बेलावेन, इंडोनेशिया में होगा। इस अभ्यास में इंडोनेशियन नौसेना का प्रतिनिधित्व नेवल शिप के अराय सुतेदी सेनोपुत्रा ने तथा भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS उत्कर्ष कर रहे हैं। यह अभ्यास इंडोनेशिया की नौसेना के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। दोनों देशों की नौसेनाएं रणनीतिक साझेदारी की व्यापक परिधि के अंतर्गत वर्ष 2002 सेकेंडरी वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा रेखा IMBL पर समन्वित
निगरानी को कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौपरिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित बनाए रखना है। 29वें समन्वित निगरानी द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का उद्घाटन 9-12 मई 2017 तक पोर्टलैंड भारत में होगा, जबकि इसका समापन समारोह 22-25 मई 2017 तक बेलावेन इंडोनेशिया में होगा। इस अभ्यास में इंडोनेशियन नौसेना का प्रतिनिधित्व नेवल शिप के अराय सुतेदी सेनो पुत्रा ने तथा भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व ने सुत। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अभिनेता को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में किस कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत नियुक्त हुए। ऑप्शन ए पोलियो उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस जागरूकता कार्यक्रम, ऑप्शन सी टीबी जागरूकता कार्यक्रम, ऑप्शन डी मलेरिया उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम। उत्तर बी हेपेटाइटिस जागरूकता कार्यक्रम। संबंधित तथ्य 12 मई 2017 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस जागरूकता कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत नियुक्त हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने अमिताभ बच्चन को सद्भावना दूत बनाए जाने की घोषणा करते हुए बताया कि वह हेपेटाइटिस की रोकथाम के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे। अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम को अपनी आवाज देंगे। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व अमिताभ बच्चन भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में काम कर चुके। प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने समय तक के लिए संपूर्ण असम को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। उत्तर बी 3 माह। संबंधित तथ्य 3 मई 2017 सेकंड केंद्र सरकार द्वारा 3 माह के लिए संपूर्ण असम को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अशांत क्षेत्र स्पेशल कोर्ट्स अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद न्यूनतम 3 माह तक यथास्थिति को बनाए रखना होगा। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रथम चरण में ITDC के 3 होटलों में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई। प्रश्न में कौन सा होटल इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन ए लेक व्यू अशोक भोपाल, ऑप्शन बी होटल ब्रह्मपुत्र अशोक गुवाहाटी, ऑप्शन सी होटल भरतपुर अशोक भरतपुर, ऑप्शन डी होटल यमुना अशोक नई दिल्ली। उत्तर डी होटल यमुना अशोक नई दिल्ली। संबंधित तथ्य 3 मई 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के होटल और संपत्तियों में विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत विनिवेश नीति के एक हिस्से के रूप में उचित मूल्य निर्धारण के बाद संबंधित राज्यों के साथ संयुक्त रूप से होटल संपत्ति पट्टा उपपट्टा देने या राज्यों को संपत्ति वापस करने का निर्णय किया गया है। राज्यों के पास निजी क्षेत्र को शामिल करके या उनकी आवश्यकता अनुसार संपत्तियों का उपयोग करने हेतु होटल को अपग्रेड करने और संचालित करने का विकल्प होगा। प्रक्रिया के प्रथम चरण में 3 होटलों होटल लेक व्यू अशोक भोपाल, होटल ब्रह्मपुत्र अशोक गुवाहाटी और होटल भरतपुर अशोक भरतपुर में विनिवेश होगा। इन सभी 3 संदर्भों में होटल संपत्ति संबंधित राज्यों को वापस की जा रही है। ITDC होटल के संचालन हेतु बनाई गई संयुक्त उद्यम कंपनी को होटल लेक व्यू अशोक भोपाल और होटल ब्रह्मपुत्र अशोक गुवाहाटी में 51% हिस्सेदारी बेच रही है। होटल भरतपुर अशोक के संदर्भ में जिस इकाई का संचालन सिर्फ ITDC के पास था उसे राज्य सरकार को वापस किया। प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने का निर्णय किया गया।
ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी, उत्तर सी 24 जनवरी। संबंधित तथ्य जुमाए 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय किया गया। इस दिवस के कार्यक्रमों को मुख्यतः सूचना संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रमों का समन्वय सूचना विभाग द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन तथा औद्योगिक विकास विभाग सहित अन्य विभागों की सहभागिता होगी। इस दिवस के अवसर पर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर एवं विविधता को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के साथ साथ आजादी में योगदान देने वाली प्रदेश की महान विभूतियों को प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। राज्य के बाहर अन्य प्रांतों में निवास करने वाले प्रवासी प्रदेशवासियों के बीच भी उत्तर प्रदेश दिवस संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। ध्यातव्य है कि प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविनेंस, संयुक्त प्रांत था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 24 जनवरी 1950 को नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यह गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी में दिनांक 24 जनवरी 1950 को प्रकाशित। प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा स्थानांतरण सत्र 2017-2018 हेतु वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रश्न में इस नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, नई स्थानांतरण नीति के तहत 30 जुलाई 2017 तक शासन, विभागाध्यक्ष और मंडल स्तर के समस्त स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। ऑप्शन बी, स्थानांतरण हेतु अवधि निर्धारण के लिए 31 मार्च 2017 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी, इस नीति में समूह के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पटल परिवर्तन का प्रावधान है। ऑप्शन डी, दिव्यांगजन स्थानांतरण नीति से मुक्त हैं। उत्तर, नई स्थानांतरण नीति के तहत 30 जुलाई 2017 तक शासन, विभागाध्यक्ष और मंडल स्तर के समस्त स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। संबंधित तथ्य जुमाए 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा स्थानांतरण सत्र 2017-2018 हेतु सरकारी अधिकारियों में कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्थानांतरण नीति अनुमोदित की गई। इस नीति के तहत 30 जून 2017 तक शासन, विभागाध्यक्ष, मंडल एवं जिला स्तर के समस्त स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। स्थानांतरण के लिए अवधि निर्धारण हेतु 31 मार्च 2017 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। नई स्थानांतरण नीति के अंतर्गत समूह का एवं ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण होंगे जिन्होंने एक जिले में 3 वर्ष या मंडल में 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। समूह के अधिकारियों का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष करेंगे। स्थानांतरण नीति के प्रावधानों से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में 20% की सीमा तक ही स्थानांतरण किए जा सकते हैं। इस नीति में समूह के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पटल परिवर्तन का प्रावधान है। दिव्यांगजन को स्थानांतरण नीति से मुक्त रखा गया है। विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत इस नीति में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर विचलन करने का भी प्रावधान किया गया है। जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री किसी भी कार्मिक को स्थानांतरित किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। 2 वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले समूह के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह तथा के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़कर इच्छित जनपद में तैनाती पर विचार किया जा सकता है। स्थानांतरण नीति में संशोधन हेतु मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक है। निबंधित बच्चों के माता पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त कर ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। समूह के अधिकारियों की गृह मंडल में तैनाती नहीं होगी। सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष, सचिव, जिसमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, का स्थानांतरण उनके द्वारा संगठन में पद आधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक नहीं होगा। यदि स्थानांतरण अपरिहार्य है तो स्थानांतरण हेतु प्राधिकृत
अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रकरणों पर जिला अधिकारी की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। प्रश्न, हाल ही में उस्ताद रईस खान का निधन हो गया, वह थे ऑप्शन ए तबला वादक, ऑप्शन बी सितार वादक, ऑप्शन सी शहनाय वादक, ऑप्शन डी संतूर वादक। उत्तर बी सितार वादक। संबंधित तथ्य, 6 मई 2017 को भारत में जन्मे प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद रईस खान का कराची पाकिस्तान में निधन हो गया। उनका जन्म 25 नवंबर 1939 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वह वर्ष 1986 में पाकिस्तान चले गए थे। रईस खान मेवात घराना से संबंधित थे, जो कि इंदौर घराना से जुड़ा था। वे मेवात घराने के 13वें उस्ताद थे। उन्होंने अपने चाचा वलायत अली खान और पिता मोहम्मद खान से संगीत सीखा। उनके नाना इनायत अली खान प्रसिद्ध सितार वादक थे। प्रश्न, हाल ही में सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक द्वारा भारत में एक्सप्रेस वाईफाई सेवा का शुभारंभ किया गया, इस सेवा में कौन सी दूर संचार कंपनी भागीदार है? ऑप्शन ए वोडाफोन, ऑप्शन बी भारतीय एयरटेल, ऑप्शन सी आइडिया, ऑप्शन डी आरकॉम। उत्तर बी भारतीय एयरटेल। संबंधित तथ्य, 4 मई 2017 को सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी फेसबुक द्वारा अपनी एक्सप्रेस वाईफाई सेवा का भारत में शुभारंभ किया गया। इस सेवा में दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल भागीदार है। यह कंपनी आगामी कुछ माह में 20,000 इंटरनेट हॉटस्पॉट स्थापित करेगी। यह सेवा पेड मॉडल पर आधारित है। सेवा के तहत लोग सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की सेवा लेने के लिए दैनिक, साप्ताहिक या मासिक डेटा पैक खरीद सकते हैं। फेसबुक की यह सेवा वर्तमान में 5 देशों में कार्यरत है, भारत, केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया। उल्लेखनीय है कि सेवा के माध्यम से फेसबुक का लक्ष्य समाज के उन लोगों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना है, जो कि अभी तक इससे वंचित हैं। प्रश्न, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी, ऑप्शन ए 7.1%, ऑप्शन बी 7.6%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 7.3%। उत्तर 7.1%। संबंधित तथ्य, 1 मई 2017 को एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा एशिया और प्रशांत की आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण 2017 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1% थी, जबकि वर्ष 2015 में यह 7.6% थी। रिपोर्ट में वर्ष 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 7.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि वर्ष 2018 में वृद्धि दर के 7.5% रहने की संभावना है। रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के वर्ष 2017 में 5.3% और वर्ष 2018 में 5.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात वर्ष 2016 में लगभग 12% तक पहुंच गया। रिपोर्ट में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर वर्ष 2017 एवं 2018 में क्रमशः 5.0% तथा 5.1% रहने का अनुमान है। चीन की आर्थिक वृद्धि 2016 में 6.7% के मुकाबले वर्ष 2017 में 6.5% अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च निजी एवं सार्वजनिक खपत और बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि से आर्थिक वृद्धि दर को हाल ही प्रमुख सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता कंपनी कोका कोला ने किसे कोका कोला इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन ए टी विजयन, ऑप्शन बी वेंकटेश किन्नी, ऑप्शन सी टी कृष्ण कुमार के, ऑप्शन डी इंदिरा नुई। उत्तर सी टी कृष्ण कुमार के। संबंधित तथ्य, 28 अप्रैल 2017 को प्रमुख सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता कंपनी कोका कोला ने टी कृष्ण कुमार के को कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिण पश्चिम एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पद पर वह वेंकटेश किन्नी का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोका कोला की पूर्णतः स्वामित्व वाली एक अनुषांगी कंपनी है।
प्रश्न: हाल ही में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मध्य किस उद्देश्य हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए तकनीकी हस्तांतरण हेतु, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र स्थापित करने हेतु, ऑप्शन सी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु, ऑप्शन डी पेटेंट में सहयोग हेतु। उत्तर बी प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र स्थापित करने हेतु। संबंधित तथ्य: 8 मई 2017 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र कार्यक्रम के तहत विकासशील देशों में अभिनव खोज करने वालों की पहुंच, स्थानीय व उच्च गुणवत्ता परक प्रौद्योगिकी सूचना एवं संबंधित सेवाओं तक सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा इस प्रकार के लोगों की अभिनव संभावनाओं का दोहन करने तथा उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन, संरक्षण एवं प्रबंधन में उनकी मदद की जाती है। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र द्वारा मुहैया सेवाओं में निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं: 1. ऑनलाइन पेटेंट एवं गैर पेटेंट वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों तथा बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रकाशनों तक पहुंच। 2. तकनीकी सूचनाओं को खोजने एवं उनकी प्राप्ति में मदद करना। 3. डेटाबेस को खोजने के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करना। 4. प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखना। 5. औद्योगिकी संपदा कानूनों पर बुनियादी सूचनाएं, प्रबंधन एवं रणनीति तथा प्रौद्योगिकी का वाणिज्यकरण एवं विपणन। IPR संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ के IPAM की प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र के राष्ट्रीय तंत्र के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु नामित किया गया है। IPR संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ का कार्य संभावित मेजबान संस्थानों की पहचान करना, उनकी क्षमताओं का आकलन करना और TISC परियोजना से जुड़ने में उनकी सहायता करना है। इसके अलावा CIPAM विपो तथा TISC के मेजबान संस्थानों के मध्य प्रमुख मध्यस्थ के रूप में काम करेगा और साथ में राष्ट्रीय TISC नेटवर्क की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। वर्तमान में पूरे विश्व में 500 से अधिक TISC कार्यरत हैं। IPAM की योजना आगामी वर्षों में विश्वविद्यालयों, राज्य विज्ञान परिषदों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों इत्यादि में TISC की स्थापना से ज्ञान को साझा करने, TISC के मध्य सर्वोत्तम रीतियों को साझा करने, क्षमता निर्माण और बौद्धिक संपदा के सृजन एवं वाणिज्यकरण को। प्रश्न: हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन ए आह चेओल सू, ऑप्शन बी उन जून प्यो, ऑप्शन सी मून जे इन, ऑप्शन डी पाक ग्यून है। उत्तर सी मून जे इन। संबंधित तथ्य: 10 मई 2017 को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मून जे इन ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इस पद पर उन्होंने पाक ग्यूनहे का स्थान लिया, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग द्वारा उनके पद से हटा कर दिया गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। मून जे इन को राष्ट्रपति चुनाव में 41.03% मत प्राप्त हुआ, जबकि उनके प्रतिद्वंदी लिबर्टी कोरिया पार्टी के होन जून पियों को 24.08% मत मिले। तीसरे स्थान पर रहे पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार आह चेओल सू को 21.41% मत मिले। ज्ञातव्य है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन को ब्लू हाउस कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियाओल है। प्रश्न: देश की पहली एकीकृत जैव रिफाइनरी किस स्थल पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी अकोला, ऑप्शन सी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन डी भुजुत्तर पुणे। संबंधित तथ्य: 7 मई 2017 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश के पहले एकीकृत जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नवीकरणीय ईंधन और रसायन के लिए स्थापित द्वितीय पीढ़ी के इस आधुनिक जैव परिशोधनशाला की स्थापना से इथेनॉल से मिश्रण कार्यक्रम को गति मिलेगी। इस संयंत्र में बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन होगा। यह संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थापित है। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे चावल और गेहूं का पुआल,
कपास की डंठल गन्ना कचरा का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन में किया जाएगा। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 1 मिलियन लीटर अनुमानित इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। सामान्य जैव ईंधन की फसलों में मकई, रैपसीड, कैनोला, गन्ना, पाम तेल, जेट्रोफा, सोयाबीन, कपास के बीज, वसा, कसावा, शैवाल, नारियल और कैस्टर बीन्स शामिल हैं। ध्यात व्य है कि जैव ईंधन बायोमास से प्राप्त ईंधन की लागत प्रभावी और प्रदूषण मुक्त है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील चटर्जी को किस आयोग में प्रमुख प्रशासनिक पद के लिए नामित किया। ऑप्शन ए संघीय दूर संचार आयोग, ऑप्शन बी कृषि सलाहकार, ऑप्शन सी संघीय ऊर्जा नियामक आयोग, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा आयोग, उत्तर सी संघीय ऊर्जा नियामक आयोग। संबंधित तथ्य 8 मई 2017 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील चटर्जी को संघीय ऊर्जा नियामक आयोग के प्रमुख प्रशासनिक पद के लिए नामित किया। इस पद को वह सीनेट की मंजूरी के बाद वह पदभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होगा। यह आयोग अमेरिका के पावर ग्रिड पर नजर रखती है और ऊर्जा परियोजनाओं पर निर्णय करती है। प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध विधि शास्त्री और न्यायमूर्ति लीला सेठ का निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, वह किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। बी, उनकी आत्मकथा ऑन बैलेंस है। सी, वह दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। डी, वह सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन ए केवल ए और डी, ऑप्शन बी ए बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी उत्तर बी ए बी और सी। संबंधित तथ्य 5 मई 2017 के प्रसिद्ध विधि शास्त्री और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त लीला सेठ का निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थी। वह किसी उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसके साथ ही वह लंदन बार परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। वह दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश भी थी। वह निर्भया प्रकरण के बाद वर्ष 2012 में गठित हुई न्यायमूर्ति वर्मा समिति के 3 सदस्यों में से एक थी। वह ए सूटेबल ब्यूरो उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ की मां स्वयं एक लेखिका थी। उनकी आत्मकथा ऑन बैलेंस एक बेस्ट सेलर किताब रही। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई पुस्तक टॉकिंग ऑफ जस्टिस अ पीपल्स राइट्स इन मॉडर्न इंडिया भी लिखी, जिसमें उन्होंने 50 वर्षों से ज्यादा लंबे अपने कानूनी करियर में अपने समक्ष आए महत्वपूर्ण मुद्दों की बात की है। प्रश्न, पिछले माह ईरान बॉर्डर गार्ड्स पर हमला हुआ था। ईरानी सेना के अनुसार यह हमला किस आतंकवादी संगठन ने किया गया था। ऑप्शन ए जैश ए दल, ऑप्शन बी जैश ए मोहम्मद, ऑप्शन सी तालिबान, ऑप्शन डी आईएसआईएस, उत्तर जैश ए दल। संबंधित तथ्य 10 मई 2017 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने पाकिस्तान और ईरान संयुक्त सीमा आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग में दोनों देशों के 4 सदस्य शामिल होंगे। आयोग का गठन सीमा मुद्दों के बेहतर व्यवस्था हेतु किया गया है। उल्लेखनीय है कि ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वे सीमा पर नियंत्रण रखे, आतंकवादियों को गिरफ्तार करें तथा इनके बेस कैंपों को बंद करें, अन्यथा ईरानी सेना उसकी सीमा में घुसकर उनको नष्ट करेगी। ज्ञातव्य है कि कुछ दिन पूर्व ईरानी बॉर्डर गार्ड्स के ऊपर सिस्तान बलूचिस्तान सीमा पर आतंकवादियों ने हमला कर 9 जवानों और 2 अन्य को मार दिया था। ईरानी सेना के अनुसार ये हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए दिल ने किया। प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान समाज सुधारक एवं संत श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया। ऑप्शन ए 1050वीं, ऑप्शन बी 500वीं, ऑप्शन सी 1000वीं, ऑप्शन डी 1500वीं, उत्तर सी 1000वीं। संबंधित तथ्य 1 मई
2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान समाज सुधारक एवं संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया। रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्ट अद्वैतवाद प्रवर्तक थे। इन्होंने उपनिषद भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र के श्री शंकराचार्य की अद्वैत व्याख्या के प्रतिपाद के रूप में विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले में रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1017 ही में मद्रास के समीप पेरुम्बदूर गांव में हुआ था। श्री भाष्यम वेदांत संग्रहम, वेदांत द्वीम, गीता भाष्यम, वेदांत साम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न, हाल ही में किसे विश्व फीफा संचालन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह, ऑप्शन डी विनोद राय, उत्तर बी न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल। संबंधित तथ्य, 11 मई 2017 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल को फीफा संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनको बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित फीफा की 67वीं कांग्रेस मैं चुना गया। इस पद पर वह मुद्गल का स्थान लेंगे। इससे पूर्व न्यायमूर्ति मुद्गल फीफा संचालन समिति के उपाध्यक्ष थे। इसके साथ ही यूरोपीय आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ओली रेहनाब समिति के उपाध्यक्ष होंगे। प्रश्न, हाल ही में किसने भूमि पर प्रहार करने वाली क्रूज मिसाइल प्रणाली से युक्त अत्याधुनिक ब्रह्मोस ब्लॉक 3 का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल, उत्तर बी भारतीय थल सेना। संबंधित तथ्य, 3 मई 2017 को भारतीय थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमन स्ट्राइक 1 ने भूमि पर प्रहार करने वाली क्रूज मिसाइल प्रणाली से युक्त अत्याधुनिक ब्रह्मोस ब्लॉक 3 का अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का इसी स्थान से लगातार 2 दिन सफल परीक्षण किया गया। दोनों ही परीक्षणों के दौरान लक्ष्य पर हमले करने के मामले में मिसाइल की सटीकता 1 मीटर से भी कम रही। सफल परीक्षण मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स सचल स्वायत्त प्रक्षेपक से पूर्ण परिचालन अवस्था में भूमि से भूमि पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ किया गया। उच्च स्तर और जटिल युद्धाभ्यासों के आयोजित करते समय कॉपी बुक तरीके से सभी उड़ान मापदंडों को पूरा करते हुए बहुभूमिका वाली मिसाइल ने भूमि पर स्थित निर्धारित लक्ष्य पर वांछित सटीकता के साथ सफलतापूर्वक हमला किया। यह लगातार 5वां अवसर है जब ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भूमि पर हमला करने के मामले में इसकी श्रेणी के किसी अन्य हथियार ने अभी तक यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल नहीं की है। वर्ष 2007 में ब्रह्मोस भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान ने किसको भारत में अपना अगला नया उच्चायुक्त नियुक्त किया? ऑप्शन ए अब्दुल बासित, ऑप्शन बी सोहेल महमूद, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर, ऑप्शन डी अब्बास नियाजी, उत्तर बी सोहेल महमूद। संबंधित तथ्य, 8 मई 2017 को पाकिस्तान ने सोहेल महमूद को भारत में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया। इस पद पर वह मौजूदा उच्चायुक्त अब्दुल बासित की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल मई 2017 के अंत में समाप्त हो रहा है। सोहेल महमूद वर्ष 1985 में पाकिस्तान विदेश सेवा में शामिल हुए थे। प्रश्न, 8-11 मई 2017 तक किस स्थल पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की 58 सदस्यीय शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी लुसाने, उत्तर ए नैरोबी। संबंधित तथ्य, 8 मई 2017 को भारत 10 वर्षों की अवधि के बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन की इकाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। भारत तीसरी बार इस महत्वपूर्ण संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पूर्व भारत वर्ष 1988 और वर्ष 2007 में इस संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष पेश करती है। 8-12 मई
2017 तक नैरोबी में आयोजित की जा रही संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की 58 सदस्यीय शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू करेंगे। ध्यातव्य है कि नायडू आगामी 2 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की स्थापना 1978 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की शासी परिषद एक अंतर सरकारी नीति निर्माता एवं निर्णय लाने वाला संगठन है। यह संगठन मुख्यतः मानव बस्ती से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करता। प्रश्न: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलेशिया में किस संयंत्र के विकास के लिए हुए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर को पूर्व व्यापी मंजूरी दी है? ऑप्शन ए यूरिया एवं अमोनिया विनिर्माण संयंत्र, ऑप्शन बी तेल शोधन संयंत्र, ऑप्शन सी रक्षा विनिर्माण संयंत्र, ऑप्शन डी वाहन विनिर्माण संयंत्र। उत्तर: यूरिया एवं अमोनिया विनिर्माण संयंत्र। संबंधित तथ्य: 3 मई 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मलेशिया में यूरिया एवं अमोनिया विनिर्माण संयंत्र के लिए मलेशिया के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर को पूर्व व्यापी मंजूरी दी। इस संयंत्र से उत्पादित यूरिया और या अमोनिया अथवा मलेशिया में मौजूदा अधिशेष यूरिया की आपूर्ति भारत को की जाएगी। इस परियोजना की लागत 2.1 बिलियन अमेरिका डॉलर होने का अनुमान है। इसकी क्षमता 2.4 मिलियन टन यूरिया एवं 1.35 मिलियन टन अमोनिया प्रति वर्ष उत्पादन की होगी। यह संयंत्र भारतीय बाजार को आपूर्ति के लिए समर्पित होगा। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से देश में यूरिया और अमोनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम कीमत पर उसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रश्न: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल किस क्षेत्र में सहयोग पर भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिक विमानन क्षेत्र, ऑप्शन सी अंतरिक्ष क्षेत्र, ऑप्शन डी पर्यटन क्षेत्र। उत्तर: बी नागरिक विमानन क्षेत्र। संबंधित तथ्य: 3 मई 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। यह एमओयू दोनों देशों के बीच नागरिक विमानन संबंध के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का द्योतक है। साथ ही इसमें दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की क्षमता। प्रश्न: 4-6 मई 2017 तक भारतीय एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। उत्तर: डी नई दिल्ली। संबंधित तथ्य: 4 मई 2017 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय चारण 6 मई 2017 तक भारतीय एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच रचनात्मक संवाद सुनिश्चित करना है, जिससे देश में मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे का विकास हो सके। ध्यातव्य है कि पहली बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, शिपिंग, नागरिक विमानन, रेलवे, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कौशल विकास, वाणिज्य, शहरी विकास, वित्त मंत्रालय, भिन्न राज्य सरकारें, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विशेषज्ञ भारत में लॉजिस्टिक एवं परिवहन परिदृश्य में बदलाव लाने के उद्देश्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु एकत्रित हुए हैं। प्रश्न: हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन ए एसके थोराट, ऑप्शन बी वेद प्रकाश अग्रवाल, ऑप्शन सी ब्रज बिहारी कुमार, ऑप्शन डी पी एस कामत। उत्तर: सी ब्रज बिहारी कुमार। संबंधित तथ्य: 2 मई 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने त्रैमासिक पत्रिका डायलॉग और चित्र सृजन के संपादक ब्रज बिहारी कुमार को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। इस पद पर वह एसके
डॉक्टोरेट का स्थान लेंगे। ब्रज बिहारी कुमार आस्था भारतीय नामक संस्था द्वारा संचालित दो पत्रिकाओं के संपादक के रूप में काम कर रहे हैं और इस संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय नीति निर्माण में इसका उपयोग करने के लिए की गई थी। प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने किस नदी को न्यायिक व्यक्ति जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन किया? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी तवा नदी, उत्तर बी नर्मदा नदी। संबंधित तथ्य, जुमाए 2017 को मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन किया। यह निर्णय नर्मदा नदी के इतिहास एवं मान्यताओं को पहचानते हुए तथा उसकी अविरलता एवं निर्मलता से जुड़ी जलीय जैव विविधता को सतत रूप से बनाए रखने तथा सीमावर्ती राज्यों के जन कल्याण के लिए किया गया है। 3 मई 2017 को मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिए जाने का शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है। इस नदी के किनारे बसे जबलपुर शहर के निकट भेड़ाघाट का नर्मदा जलप्रपात काफी प्रसिद्ध है। प्रश्न, हाल ही में मिस्र के किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अंत्येष्टि उद्यान की खोज की? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी शेब्सराबुल नागा, ऑप्शन सी अस्वान, ऑप्शन डी गीजा, उत्तर बी शेब्सराबुल नागा। संबंधित तथ्य, अभी हाल में ही जोश गैलन के नेतृत्व में स्पेनिश पुरातत्वविदों की टीम ने प्राचीन मिस्र की राजधानी शेब्स लक्सर की एक कब्र के बाहर करीब 4000 वर्ष पुराने अंत्येष्टि उद्यान के अवशेषों की खोज की। मई 2017 3 मीटर × 2 मीटर के उद्यान में समान रूप से विभाजित भूखंड प्रत्येक 30 सेंटीमीटर आकार के प्राप्त हुए हैं। यह राजधानी के मध्य 2050 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व कब्र के बाहर एक खुले आंगन में स्थित था। संभवतः इस उद्यान का प्रतीकात्मक अर्थ रहा होगा और अंतिम संस्कार की क्रियाओं में कोई भूमिका रही होगी। उद्यान के मध्य में दो ऊंचे स्थान छोटे वृक्ष अथवा झाड़ियों के लिए प्रतीत होते हैं। उद्यान के कोनों में 4000 वर्ष पुराने एक छोटे पेड़ के जड़ तने को संरक्षित किया गया है। यहाँ एक कटोरा भी पाया गया है जिसमें खजूर व अन्य फल थे जो संभवतः भेंट के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। प्रश्न, हाल ही में सेना प्रमुख बिपिन रावत द्वारा किस वर्ष को युद्ध विकलांग वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020, उत्तर बी 2018। संबंधित तथ्य, 6 मई 2017 को सेना प्रमुख बिपिन रावत ने वर्ष 2018 को युद्ध विकलांग वर्ष घोषित किया। यह घोषणा सेना प्रमुख ने सैन्य बल मेडिकल कॉलेज दिल्ली में आयोजित विकलांग सैनिकों की रैली के दौरान की। यह रैली दिल्ली के वार वुडेड फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई। इस रैली में व्हीलचेयर पर बैठे लगभग 150 विकलांग वीर सैनिकों ने भाग लिया। प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 9 मई, उत्तर बी 11 मई। संबंधित तथ्य, 11 मई
2017 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में नवाचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के उपलक्ष्य में वर्ष 1999 सेकंड प्रत्येक वर्ष 11 मई को इस दिवस का आयोजन करता है। इस अवसर पर देश भर में राष्ट्र की सेवा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सफलता का उत्सव मनाया गया। ज्ञातव्य है कि यह दिवस 11 मई को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना दूसरा सफल परीक्षण किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत को एक पूर्णकालिक नाभिकीय देश घोषित किया था। इसने भारत में नाभिकीय क्लब में शामिल होने वाले छठे देश का दर्जा दे दिया था। इसके साथ ही स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट हंस 3 ने इसी दिन परीक्षण उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र किस स्थल पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी राजघाट, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी डंडी उत्तरा बी राजघाट। संबंधित तथ्य, 3 मई 2017 को संस्कृति मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के समापन समारोह के दौरान संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेश शर्मा ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। यह केंद्र पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन द्वारा गांधी स्मृति एवं दर्शन इस केंद्र की स्थापना चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष के दौरान समिति राजघाट में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन के दृष्टिगत होगी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। वर्तमान में इस मिशन के तहत 4 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है और 1,94,000 गांव तथा 135 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं। वर्तमान में खुले में शौच से मुक्त राज्य हिमाचल, सिक्किम तथा केरल है। शीघ्र ही 6-7 और राज्यों को ODF राज्य घोषित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन हेतु वर्तमान कुल बजट 19,300 करोड़ रुपए है। इससे केंद्रीय हिस्सेदारी 14,000 करोड़ रुपए है, जबकि सभी सरकारी विभागों द्वारा घोषित बजटीय प्राविधान 5,300 करोड़ रुपए होगा। ध्यातव्य है कि ई गाइड श्रव्य दृश्य e3.guide.net.in ऐप राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा करने वाले पर्यटकों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न, हाल ही में हुए रॉल्स रॉयस और GRSE को मध्य हुए समझौते के तहत रॉल्स रॉयस KMTU सीरीज 4000 इंजनों की GRSE के किस संयंत्र में असेंबल किया जाएगा? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम संयंत्र, ऑप्शन बी रांची संयंत्र, ऑप्शन सी भोपाल संयंत्र, ऑप्शन डी कोचीन संयंत्र, उत्तर बी रांची संयंत्र। संबंधित तथ्य, 5 मई 2017 को रॉल्स रॉयस ने सार्वजनिक क्षेत्र की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत रॉल्स रॉयल KMTU सीरीज ऋण 4000 इंजनों को GRSE के रांची संयंत्र में असेंबल किया जाएगा, जिसे बाद में नौकाओं में लगाया जाएगा। इस समझौते के तहत रॉल्स रॉयल के 12वीं और 16वीं 4090 प्रकार के इंजनों को, जिनकी शक्ति क्रमशः 2040 किलोवाट एवं 2720 किलोवाट होगी, GRSE के रांची स्थित डीजल इंजन संयंत्र में कलपुर्जों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों के मध्य भविष्य में कलपुर्जे के स्थानीय उत्पादन के विकल्प पर भी सहमति दी गई है। प्रश्न, हाल ही में कौन लोकलेखा समिति के नए अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए केवी थॉमस, ऑप्शन बी पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन डी कमलनाथ, उत्तर सी मल्लिकार्जुन खड़गे। संबंधित तथ्य, 2 मई 2017 को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लोकलेखा समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने केवी थॉमस का स्थान लिया, जो अगस्त 2014 से 2 अप्रैल 2017 तक PAC के अध्यक्ष रहे। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गठित PAC का कार्यकाल 1 मई 2017 से 30 अप्रैल
2018 तक रहेगा। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। इस 22 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कर प्रश्न। हाल ही में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार इस दौरान कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का अनुमान है। ऑप्शन ए 264.58 मिलियन टन, ऑप्शन बी 273.38 मिलियन टन, ऑप्शन सी 270.58 मिलियन टन, ऑप्शन डी 260.38 मिलियन टन, उत्तर बी 273.38 मिलियन टन। संबंधित तथ्य 9 मई 2017 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए। वर्ष 2016-17 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 273.38 मिलियन टन तक अनुमानित है। यह विगत वर्ष 2015-16 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 21.81 मिलियन टन 8.67% अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन विगत 5 वर्षों 2011-12 सेकंड 2015-16 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में भी 16.31 मिलियन टन 6.37% अधिक है। गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 97.44 मिलियन टन अनुमानित है। यह वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त 92.29 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की तुलना में 5.15 मिलियन टन 5.58% अधिक है। चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 109.15 मिलियन टन अनुमानित है। चावल के उत्पादन में वर्ष 2015-16 के दौरान 104.41 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 4.74 मिलियन टन 4.54% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मोटे अनाजों का उत्पादन रिकॉर्ड 44.39 मिलियन टन अनुमानित है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त 38.52 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में भी 5.87 मिलियन टन 15.23% अधिक है। सभी मुख्य दलहनों के क्षेत्रीय कवरेज एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016-2017 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 22.40 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष 2015-15 के 16.35 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.05 मिलियन टन 37.03% अधिक है। देश में कुल तिलहन उत्पादन 32.52 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष 2015-16 के उत्पादन से 7.27 मिलियन टन अधिक है। गन्ने का उत्पादन 306.03 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष 2015-16 के 348.45 मिलियन टन उत्पादन की तुलना मैं 42.42 मिलियन टन ऋण 12.17% कम है। वर्ष 2016-17 के दौरान कम क्षेत्रीय कवरेज के बावजूद कपास की उच्चतर उत्पादकता के परिणाम स्वरूप 2015-16 के दौरान 30.01 मिलियन गांठों की तुलना में 32.58 मिलियन गांव प्रति 170 की क्रा अर्थात 8.57% की वृद्धि होने। प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कितनी वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30, उत्तर सी 27। संबंधित तथ्य 7 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 27 वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन 27 बसों में 12 अत्याधुनिक उच्च स्तरीय तकनीकी सुविधाओं
से युक्त हाईएंड स्केनिया एवं वॉल्वो वातानुकूलित बसें तथा 15 साधारण श्रेणी की 3-2 वातानुकूलित जनरथ बसें शामिल हैं। साधारण वातानुकूलित बस सेवा जनरथ के माध्यम से सामान्य जनता को कम किराए में उच्च श्रेणी की परिवहन सुविधा मिलेगी। प्रश्न: हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष की समय अवधि को वर्तमान अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान, उत्तर बी मध्य प्रदेश। संबंधित तथ्य: जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष की समय अवधि को वर्तमान अप्रैल मार्च की जगह जनवरी दिसंबर करने की घोषणा की। इस प्रकार मध्य प्रदेश ऐसी पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना। गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को अपना वित्तीय वर्ष जनवरी दिसंबर करने हेतु पहल करने को कहा था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में पूर्व मुखिया आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति ने वित्तीय वर्ष जनवरी दिसंबर करने की सिफारिश की थी। प्रश्न: हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन कवात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी बेल्जियम, उत्तर सी फ्रांस। संबंधित तथ्य: 11 मई 2017 को निदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन कवात्रा को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इस पद पर वह मोहन कुमार का स्थान लेंगे। वह वर्ष 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न: विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 8 मई, उत्तर डी 8 मई। संबंधित तथ्य: 8 मई 2017 को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। यह दिवस थैलेसीमिया के संचारण बचने के लिए इसकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने तथा लोगों के इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को प्रसारित करता है। थैलेसीमिया के कारण व्यक्ति के रक्त में हद से ज्यादा आयरन की यात्रा बढ़ना, हड्डियों की विकृति, हृदय की समस्याएं, विभिन्न संक्रमण और तिल्ली के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इस समय देश के लगभग 35 लाख लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। प्रश्न: विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन डी 8 मई, उत्तर डी 8 मई। संबंधित तथ्य: 8 मई 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन 8 मई 1928 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। प्रश्न: विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 9 मई, उत्तर सी 10 मई। संबंधित तथ्य: 10 मई 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व लूपस दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को लूपस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। यह बीमारी रूमेटोलॉजी का ही एक रूप है जो सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। लूपस एक स्वप्रतिरक्षित रोग है जो कि शरीर के किसी भी भाग की क्षति पहुंचा सकता है। इस बीमारी का प्रभाव सर से पांव तक होता है। बुखार आना, मुंह में छाले आना, स्किन पर चिकत्ते आना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, बालों का झड़ना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इस बीमारी की कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं है।
प्रश्न हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ए संजय मित्रा को नियुक्त किया। ऑप्शन ए विदेश सचिव, ऑप्शन बी रक्षा सचिव, ऑप्शन सी दूर संचार सचिव, ऑप्शन डी गृह सचिव, उत्तर बी रक्षा सचिव। संबंधित तथ्य 10 मई 2017 को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय मित्रा को देश का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। इस पद पर वह जी मोहन कुमार का स्थान लेंगे। संजय मित्रा वर्ष 1982 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के वरिष्ठ IAS हैं। वर्तमान में वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव है। प्रश्न 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमला किसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन पर किया गया था। ऑप्शन ए 74वीं CRPF बटालियन, ऑप्शन बी 76वीं CRPF बटालियन, ऑप्शन सी 75वीं CRPF बटालियन, ऑप्शन डी 77वीं CRPF बटालियन, उत्तर 74वीं CRPF बटालियन। संबंधित तथ्य 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुरकापाल गांव के करीब माओवादी नक्सलियों ने आघात लगाकर हमला किया। नक्सलियों का हमला CRPF की 74वीं बटालियन पर किया गया था। 74वीं CRPF बटालियन की 2 कंपनियों को बुरकापाल से चिंता गुफा के मध्य निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा में लगाया गया था। घायल जवानों के अनुसार करीब 300 नक्सलियों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, ने आधुनिक एवं परंपरागत हथियारों से हमला किया था। इस हमले में CRPF के 25 जवान शहीद हो गए तथा कई घायल हुए। जवानों का इतनी संख्या में शहीद होने का प्रमुख कारण नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। ज्ञातव्य है कि इसी वर्ष 11 मार्च को भी नक्सलियों ने सुकमा जिले में पुलिस दल पर हमला किया था, जिसमें 12 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इन हमलों का प्रमुख कारण सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किया जा रहा विकास कार्य है, जिसे नक्सली रोकना चाहते हैं। प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने साइबर सुरक्षा के विषय पर किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया। ऑप्शन ए एच कृष्णा मूर्ति, ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच, ऑप्शन सी एस वी मुरली, ऑप्शन डी अजय त्यागी, उत्तर बी माधवी पुरी बुच। संबंधित तथ्य 2 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने साइबर सुरक्षा के विषय पर सेबी की पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल गठित किया। इसके अन्य सदस्यों में सेबी के कार्यकारी निदेशक SV मुरलीधर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के महानिदेशक संजय बहल तथा IISC बंगलुरु के प्रधान अनुसंधान वैज्ञानिक एच कृष्णामूर्ति शामिल हैं। पैनल सेबी और पूरे पूंजी बाजार के लिए साइबर सुरक्षा पर नजर रखने और उसके बारे में समग्र मार्गदर्शन करेगा। यह पैनल वैश्विक मानक के अनुरूप आधुनिक साइबर सुरक्षा सहित साइबर आक्रमण से बचने हेतु उपाय सुलझाएगा।